أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر سبحان الله يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون سبحان الله وإذا سألك عبادي عني فإن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليس
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए यह तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर आपसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बताइए कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं, जवाब देता हूं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात आप उन्हें सुना दीजिए, शायद कि वो राह रास्त पा लें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें, तमाम हम्द व सना, सब मिधतें खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। मैं वसीम बादामी और ये शान रमज़ान 2022 अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं ARY डिजिटल की जानिब से, ARY डिजिटल नेटवर्क की जानिब से, दुनिया भर में जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो बाद अज़ां अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक देखेंगे या सोशल मीडिया पर बाद में देखेंगे, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है और यूँ शान रमज़ान का आगाज़ हो गया है, और आगाज़ हुआ है हमेशा की तरह जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ से। कारी साहब, मिजाज बखैर हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, रमज़ान मुबारक, सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, एक और शान रमज़ान। और मैं ये भी बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जब कारी साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शान रमज़ान 2022 की नशरियात का आगाज़ किया तो उनके इस आगाज़ के साथ ही शान रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह एक दिहाई पूरी हो गई। ये 10वां शान रमज़ान है जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। और मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये महीना हमें अता किया, इतना बाबरकत महीना दोबारा से माशाल्लाह। और मैं तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ARY नेटवर्क और इसके तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और आपके लिए दुआ में करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस खूबसूरती के साथ आप इस ट्रांसमिशन को लेकर चलते हैं, रूहानी ट्रांसमिशन को लेकर चलते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी से हम किनार फरमाए। इलाही आमीन, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़, ये बहुत इंतहाई आजिज़ी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, हमें बहुत खुशी है, बहुत
फ़ख्र है इस बात पे, बहुत ही हम्बलनेस के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में कितने ही लोग हैं कि जो माह रमज़ान के बहुत सारे पल हमारे साथ गुजारते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह शान रमज़ान 2022 के जिसका बाकायदा आगाज़ हो गया है, इंशाल्लाह ये सफ़र भी बहुत अच्छा, बहुत सहल, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत रूहानियत से भरपूर रहेगा इंशाअल्लाह। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सेट है ये सिर्फ़ एक टेक्निकल टर्म की मोहताजी की वजह से मैं ये लफ्ज़ सेट इस्तेमाल कर देता हूँ, वरना ये सेट नहीं होता, ये हमारा मस्कन होता है और लिटरली ये मस्कन होता है। यहाँ पे हमें सुकून भी मिलता है, यहाँ हम रिहाइश पज़ीर भी होते हैं, हम रोज़ाना दिन के तकरीबन 8, 10, 11 कभी कभी 12, 14 घंटे यहाँ पर गुजार रहे होते हैं, तो ये हमारा घर है और ये आपका भी घर है। और अब की दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और एज़ाज़ ARY डिजिटल के हिस्से में आया है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा ये पूरा एनिमेटेड सेट है जो कि जदीद दौर के तमाम तर तकाज़ों को हम आहंग करते हुए ये पूरा एक एनिमेटेड सेट है जो कि हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, जिसका एक और बहुत अच्छा फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह जदीद दौर के तमाम तकाजे तो पूरे होंगे लेकिन अब की दफ़ा हमें ज़्यादा मौका मिलेगा इस बात का कि हम जो जो बात आपसे कर रहे हों उससे मुतल्लिका तस्वीर, फुटेजेस और बहुत कुछ और भी, और उस बहुत कुछ और में क्या है जो हम आपको दिखा सकेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ये सआदत भी इसी सेट से बार बार और बार बार हासिल करेंगे कि इस स्क्रीन पर जो कि हमारे चारों तरफ फैली हुई है हम इंशाअल्लाह बारहा खाने खुदा की और रोज़ाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराहे रास्त ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूँगा अगर अभी मुमकिन हो तो अगर हम एक नज़र अभी भी देख सकें, ताकि नशरियात का आगाज़ जो तिलावत कलाम पाक से हुआ है अगर हम साथ ही खाने खुदा की बराहे रास्त इस वक्त ज़ियारत कर सकेंगे तो बहुत रौनक में इजाफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये सिलसिला फिर हम वक्फ़े वक्फ़े से बार बार जारी रखेंगे। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हमने तकरीबन 2 साल इस अंदाज़ से गुजारे और ये देखिए आप, तो ये आपके सामने खाने खुदा के ये बराहे रास्त मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। और सुभान अल्लाह क्या कहने, दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर है ये, और ये मंजर आप ARY डिजिटल की स्क्रीन के तहत के तवस्सुत से बराहे रास्त देख रहे हैं। क्या शान है, क्या रौनक है, और खुदा की कसम इस वक्त मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे यकीन है सबका ये आलम होगा। और बहुत ज़्यादा खुशी और जज्बाती कैफियत इसलिए भी है कि हम ये मंजर देखने को तरस गए थे। जब ये मंजर हमारी आंखों से ओझल हुआ तब हमें पता चला कि कितनी बड़ी नेमत थी कि जिसका हम अंदाज़ा ही शायद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा पिछला रमज़ान इस आलम में नहीं गुजरा, उससे पिछला रमज़ान तो बिल्कुल ही एक दूसरी कैफियत में गुजरा था। अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें बहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उमरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तवाफ़ हो रहे हैं, लाखों फर्जंदान तौहीद यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो जो ये मंजर इस वक्त देख रहा है सबको खाना खुदा की ज़ियारत अपनी आँखों से देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। क्या कहने, ये ग़िलाफ़े काबा की आप ज़ियारत कीजिए। और अगर मैं टीम से गुजारिश करूँगा अगर मुमकिन हो हम अगर एक कुछ लम्हात के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े, सुभान अल्लाह क्या कहने, मदीना मुनव्वरा की आप बराहे रास्त ज़ियारत कीजिए कि जहाँ पर इस वक्त है यकुम रमज़ान 1443 हिजरी, जो कि आपको नज़र आ रही होगी तारीख 1443 हिजरी यकुम रमज़ान 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस वक्त वहाँ पर। तो यानी आप बस जो जो गए हैं मदीने अल्लाह ताला सबको लेकर जाने चला, वो महसूस कर सकते हैं कि क्या ठंडी ठंडी छाँव और क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। अल्लाह ताला सबको ये मंजर अपनी आँखों से वहाँ जाकर देखने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सआदत हम इंशाल्लाह हासिल करते रहेंगे बार बार और बार बार इंशाल्लाह। तो इस सेट के तवस्सुत से हमें ये बहुत फ़ायदा होगा कि हम ये सब कुछ कर सकेंगे। जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ से नशरियात का आगाज़ होगा और फिर हमारे इस तरफ बैठे बिरादरान, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे मेहमान नहीं हैं बल्कि ये मतलब ये मेज़बान है, ये मतलब ये सब साथ ही हैं। और ये अगर कभी सेट से थोड़ी देर के लिए वैसे भी आगे पीछे हो जाते हैं, चैन का सेगमेंट ना भी हो तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये कहाँ चलेंगे वापस आ जाएं, क्योंकि ये होते हैं तो मुझे बड़ी एक तसल्ली रहती है, हौसला रहता है, एक ज़रा ढारस रहती है। तो आलम इस्लाम के अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर मारूफ नात खां, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग इनके बारे में पूछते हैं। जनाब ज़ुहैब अशरफ़ी साहब हमारे साथ हैं, जनाब कारी मोहसिन साहब हैं, जनाब महमूद हसन अशरफ़ी साहब और जनाब वसीम वसी साहब, आप सबको बहुत खुश आमदीद। ज़ुहैब भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे आलम इस्लाम को। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये बाबरकत महीना हमें अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इसे हमें
जो अता फरमाए अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से अपने रब को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। बल्कि मेरा जी चाह रहा है कि अगर हम एक लम्हे को, चूंकि अभी हमने खाना खुदा का मंजर देखा है, हम बाकायदा तो सेगमेंट होगा वो सब कुछ होगा इंशाल्लाह, अगर हम एक लम्हे को खाना खुदा देख सकें, अगर वो आप दोबारा अगर लाइव कट कर सकें और आप एक शेर सिर्फ पढ़ दीजिए, काबे की रौनक काबे का मंजर, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं अगर आप पढ़ दें। काबे की रौनक काबे सुभान अल्लाह, क्या कहना है। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर सुभान अल्लाह, देखूं तो देखे जाऊं बराबर सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक शेर पढ़ दीजिए, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी सुभान अल्लाह, और देखता कभी मैं हरम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है हैरत से खुद को सुभान अल्लाह, कभी देखता कभी कभी मैं हरम को गिलाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर, क्या कहते हैं अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है सुभान अल्लाह। बाकायदा कलाम हम सुनेंगे, लेकिन मेरा जी चाहा ये मंजर देख के रहा नहीं गया कि एक शेर सुना। जनाब कारी मोहसिन साहब खैरियत से हैं, मिजाज बखैर है, और एक और शान रमजान में खुश आमदीद, तैयारियां हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके तवस्सुत से ट्रांसमिशन के तवस्सुत सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारक की, और ख़ास तौर पे उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं शान जी 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 सारा साल बिल्कुल फीडबैक आ रहा होता है। लास्ट ईयर वो हुआ था कि चांद बड़ा लेट हुआ था जी, ये हाँ पिछले साल चांद बड़े एक ड्रामाई अंदाज में सारा मामला ऐसा लगा एकदम से रब टूट गया था, हमारा दिन कैसे गुजरेगा, आप लोगों को देखते थे शान रमजान देख के हमारा दिन निकल जाया करता था, तो अल्लाह पाक सबको मुबारक करे इंशाल्लाह। और शफी साहब आप तो माशाल्लाह आप मदीना मुनव्वरा से होकर आए, कब होकर आए माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 शाबान को, क्या कहने हैं, यानी तकरीबन 15 रोज पहले मदीना मुनव्वरा से होकर आए, और कल जब खुशनसीबी के जब ये खुशखबरी सुनी कि मदीनतुल मुनव्वरा में राजुल जन्ना और बाकी असहाबे सुफा और ये सब कुछ खोल दिया गया है, कदमैन शरीफैन बाबे जिब्रील, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला रमजान की बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एयरवे डिजिटल के तमाम शुरू से लेके अब तक के क्या कहने रमजान गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उसका हिस्सा रहा, वाँ वाँ। और मुझे इसकी बड़ी बरकतें मिली, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हम सबको इसकी बरकतें अता फरमाए, जितने हमारे नाज़रीन उसको बरकतें रहमतें अता फरमाए। दुआ फरमाइएगा हमारे घर में मेरे बड़े भाई मोहम्मद ज़ुबैर शफी साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ आज, पहला आज सहरी उनकी, उनके लिए दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। अशरफी साहब अभी एक बड़े साने से गुजरे, कितने रोज पहले, परसों अशरफी साहब की सगे भाई हैं उनकी वाइफ का यानी कि इनकी भाभी का इंतकाल हुआ है परसों। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि दुआए मगफरत कीजिएगा, याद रखिएगा, और जितने भी लोग हैं, कितने ही लोग थे कि जो पिछले साल इन घड़ियों में हमारे साथ थे और अब सिर्फ उनकी यादें, अब वो हमारे साथ नहीं हैं, आज जब वो सब लोगों के घर पे जब पहली सहरी का दस्तरखान लगेगा तो उन सब के दिल बहुत मगमूम होंगे। आए हम इस सेट के ज़रिए, इस नशिस के ज़रिए उनका गम बांटने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान फरमा दें इंशाल्लाह, उनको सब्र जमील अता फरमाएं, और उनके वो फैमिली मेम्बर जिस दुनिया में नहीं रहे इंशाल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाएं।
इंशाल्लाह बहुत दिल से दुआ। वसीम वसीम साहब खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारियां हैं इंशाल्लाह शादी रमजान जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बहुत सारी तैयारियां हैं। और मैं आपके तवज्जो से पहले तो मैं तमाम देखने वालों को इस रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करूँगा। और वैसे भी जब शान रमज़ान का सेट बनना शुरू होता है तो शब महराज से एक महसूस होने लग जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारियाँ। जज़ाकअल्लाह। तो ये इंशाल्लाह हमारे साथ ही सारे हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं आपको क्विकली ज़रा इस सेट का एक दौरा करवा देता हूँ, वैसे आप बहुत जल्द, हम सब इसे बहुत जल्द मानूस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जाहिर है ये वो मकाम है जहाँ से कारी साहब ने आगाज़ किया, जहाँ भी कारी साहब तशरीफ़ फरमाएं, फिर यहाँ हमारे नात खां हज़रात तशरीफ़ फरमाओगे, हम इनसे नात सुनेंगे रोज़ाना इंशाल्लाह, कलाम सुनेंगे, हम सुनेंगे। ये वो मकाम है कि जहाँ पर पकाया जाएगा और बहुत कुछ पकाया जाएगा, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाएंगी। तो ये हमारा किचन है कि जहाँ पर इंशाल्लाह हम ज़रा थोड़ा सा एक ब्रेक भी आ जाएगा, यानी हम थोड़ा सा ज़रा हंस खेल भी लिया करेंगे और बातों बातों में हम बहुत कुछ इंशाल्लाह हम बनाना और पकाना भी सीख लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा सेट है और ये हमारा किचन है कि जहाँ पर आप बाकायदगी से रोज़ाना ही कुछ ना कुछ नया इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। मैं आपको ज़रा फिर उस तरफ लिए चलता हूँ कि ये जो सेट का, ज़ाहिर है ये मरकज़ी जो जगह है यहाँ पर उलमाए कराम के साथ नशिस्त यहाँ हुआ करेगी, उसमें भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि और क्या क्या है शान रमज़ान में। तो बहुत कुछ नया है, हमने पिछले साल इफ्तार में एक सिलसिला शुरू किया था एक खाके का ड्रामे की सूरत में, तो वो सिलसिला भी है इंशाल्लाह। इस बार थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है और फिर उस पर उलमा की बातचीत होगी, तो वो सारी महफिल यहाँ पर होगी। फिर हमारा जो क्विज का मुकाबला होता है जिसमें हम सब, मैं अपने आप को सबसे पहले रखता हूँ उसमें, हम सब बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं, अपने इल्म में इजाफा करते हैं, बहुत हंसते भी हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, हरगिज़ नहीं लेकिन मजाक करते भी हैं, ज़रा उसको इन्जॉय करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर टीम ए बी सी होगी और जहाँ पर जब बहुत सारी ताज़ियत होगी इंशाल्लाह, मतलब वो वाली ताज़ियत नहीं, लिटरल टर्म्स में नहीं, ये वो वाली जो हमारे क्विज के टर्म्स में, और बहुत सारी तालियाँ होंगी, बहुत सारे प्लस 10, बहुत सारे माइनस 10, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये सारे का सारा मामला होगा यहाँ पर। अल्लाह ताला की शान, मुख्तलिफ मखलूकात, ये अंडर वाटर जो लाइफ है, ये मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, ये तो इस सेट का हिस्सा होती हैं। और आप अगर दिखा सकें हमारे कैमरामैन भाई अगर थोड़ा सा इसको जूम करके, मतलब इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूक है। यानी इंसान इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद चांद पे पहुँच गया इंसान, इस जैसी कोई एक मखलूक इस रंग की एक लम्हे के लिए बना के दिखा दे, तो सारी की सारी साइंस ये वो सब कुछ फेल है। ऐसा कोई एक जानदार बना के दिखा दे जो कि लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में मौजूद है। आप लोगों में से जिन लोगों को कभी वो क्या कहते हैं, जेरे समंदर जाके उसको पता नहीं, वो डाइविंग नहीं, मेरे मैं लफ्ज़ भूल रहा हूँ, नहीं होता हो रही नहीं मेरे को। तो अगर आप वो मतलब कभी आप अंडर वाटर लाइफ का मुशाहिदा करें तो इंसान हैरान हो जाता है कि मतलब एक पूरी अलग दुनिया है जो कि अल्लाह ताला के ज़ाहिर अल्लाह ताला की हाकमियत का सबूत दे रही है। तो ये यहाँ पर भी बड़ा एक दिलकश मंज़र है, कई सैकड़ों की तादाद में मछलियाँ और ये बर्ड्स और ये सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी हमारी साथी हैं, इनका हम खास ख्याल रखते हैं, एक अमला मुतायन होता है जो कि इनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखे और हर एतबार से ये कम्फर्टेबल रहें। ये है वो जगह कि जहाँ पर होंगे मेरे, आपके, हम सब के हरदिल अजीज, यानी कि डाक साहब यहाँ पर होंगे, और अब तो जो छोटा शहजादा है यानी कि उमर, वो आप देख रहे हैं कि वो कितनी तेज़ी से जो है वो बड़ा हो रहा है और उसकी बातें कितनी मज़ेदार हो रही हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ लगेगी महफिल बच्चों के साथ, इन खूबसूरत परिंदों के साथ, इन खूबसूरत बर्ड्स के साथ। हमने यहाँ पर ये अहतमाम किया है कि जहाँ पर हम, सबसे पहले तो ये भी मैं अपने लिए कहूँगा कि बच्चों के साथ बातचीत करते हुए मैं कभी भी इस मुगालते में नहीं रहता, इस खुशफहमी में नहीं रहता कि मैं कुछ उनको सिखा रहा हूँ, जितना मैं उनसे सीखता हूँ इतनी सारी चीज़ें, ये अनबिलीवेबल है। तो यहाँ बैठकर इंशाल्लाह बच्चों के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, सीखेंगे, शायद कुछ सिखा भी पाएँ, बहुत लुत्फ आएगा इंशाल्लाह, हल्ला गुल्ला होगा, गपशप होगी, गेम्स होंगी। और बच्चों के सेगमेंट में भी इस दफ़ा इंशाल्लाह हम इन तमाम तर स्क्रीन्स का सहारा लेंगे, तो बच्चों को जो हम स्टोरीज सुनाएंगे उन स्टोरीज़ के रेफरेंसेज होंगे यहाँ पे, पिक्चर्स होंगी, गेम्स होंगे, पजल्स होंगे, ये सब कुछ होगा और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह शान रमज़ान के इस कॉर्नर में। तो ये एक सेट नहीं है, ये पूरा एक शहर है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, आप लोगों की दुआएं रहीं, तो बस आप दुआ कीजिएगा। आप सब लोग पूछते हैं हमसे कि इतना लंबा सफ़र है, एक सवाल जो मैं सबसे ज़्यादा पूरे साल सुनता हूँ वो ये कि ये कैसे कर लेते हैं भाई रमज़ान में, और मैं ये जवाब देता हूँ और आई मीन इट,
कि ये आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला के कर्म की वजह से हो पाता है। तो बस प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान बनाए। दुनियावी तकाजे, रेटिंग शेटिंग, ठीक है, ये उसकी अपनी जगह अहमियत होती है और उसके लिए दुआ भी कीजिएगा, हम कोशिश भी करते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, ये सारे की सारी इतनी एफर्ट हो और इसके बदले में सिर्फ वो दुनियावी तकाजे पूरे हो जाएँ और कोई भी उखरवी तकाजा पूरा ना हो, तो फिर ये कोई मज़े का सौदा नहीं है। तो आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि जिसका हमें अजर वहाँ मिले और वहाँ हमें बहुत खुशी हो कि हमने यहाँ पर ये कुछ घंटे ज़िंदगी की गुजारे थे। इंशाअल्लाह रमज़ान के तराने का आप सबको होता है इंतज़ार। शाने रमज़ान 2022 का तराना हमने इस दफ़ा जो उसको शूट किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पे तो किया ही, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हमने तुर्की में भी इसके कुछ मनाजिर फिल्म बंद किए। ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक पर जाने से पहले आइए मैं आप हम सब मिलकर देखते हैं तराना शाने रमजान 2022। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे इस माह ने कर दिया, जुम्बिशे लब से पहले हुई ये अता, जुम्बिशे लब से पहले हुई ये अता, खाली दामन को खुशियों से है भर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। से करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ऐ खुदा, वास्ता माहे रमजान का, मुझे